हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आए हैं, शब्बो और मैं सेल में आए हैं और यहाँ बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, जैसे कि सैंडल और फ्लावर पॉट और बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपकी प्यारी सी सहेली शब्बो जहाँ पर खाने पीने के चीज़ें हैं सेल में, वहाँ पर घूम रही है शायद के मक्खी की तरह, भुर भुर भुर। क्या क्या नए आइटम्स हैं खाने के वो देख रही है वो, और उसके मुंह को बहुत पानी आ रहा है। और आप सभी को तो पता है अपने शब्बो को खाने पीने का कितना शौक है ना। देखिए तो अभी अभी हमने शब्बो को याद किया और शब्बो पूरा सेल घूम फिर कर आ गई है कैमरे के सामने। शब्बो की बहुत लंबी उम्र है बाबा। एंड सुन तो के समरिन, वो वहाँ पापड़ का पैकेट बहुत ही अच्छा है, पर बहुत महंगा बोल रहा हो, 30 रुपए का बोल रहा हो। अगे शब्बो, कैमरा चालू है, उधर देख, पहले सब देख रहे अपने को, एंड क्या पापड़ का पैकेट बोल रही तू। अगे मैंने देखी नहीं। कैसे हो आप सब लोग, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी प्यारी शब्बो। आगे तू ऐसा बोली जैसे कि मालूम कितनी तू शब है करके, मैं आपकी प्यारी शब। जरा अच्छा बोलने का ऐसा, मैं आपकी प्यारी शब। जान दे बाबा सामरीन, तू मेरा ऐसा पचकच करने बैठती देख। नहीं गे शब, तू मेरी सहेली है ना, चुप बोली मई, एंड तू मेरी सहेली है ना गे शब। हाँ हाँ बच्चू बैठ, आप मस्त ना को लोगो मेरे को लगे लाल प्यार से बोलती, एंड तू मेरी सहेली है। हाँ हो चल जल्दी से, आवर्ती को क्या खाने पीने की चीज़ें ले, वो पपड़ भी पड़ गया है, तो ले जल्दी से अपने जाने का वो चश्मे वाले की दुकान पे। एंड समरिंग कितने बार जाती कि तू चश्मे वाले की दुकान पे, अभी तो अपन बना के लाए थे उसका फ्रेम, और तोड़ डाली कही थी तूने, ऐसे करती तू जरा अच्छा हिसाब से संभालने का, चश्मा लगे वाला है तो। आप देखते हो जब बहुत परेशान हो गई कि मैं ये चश्मे की वजह से कितना भी संभालो टूटता गिरता फूटता इतना संभालना पड़ रहा है इसको जान से ज़्यादा। जब चश्मा नहीं लग गया था तो चश्मे वाले लोग देख के ऐसा लगता था मेरे को भी चश्मा लगना, कितना अच्छा दिखता, हम जरा पढ़े लिखे दिखते चश्मा लगा तो। कुछ भी बोलती के समरीन तू, चश्मे से कहीं पढ़े लिखे देखते क्या। हम जरा देखना दिन दिन भर टीवी आ देख, मोबाइल चला दिन दिन भर, हम फिर सब्जी भाजी नको खाऊ घर का बने वाला कुछ, सब बाहर का चढ़ते बैठू, ऐसा करने से चश्मे नहीं तो क्या लगेंगे आगे, तेको 3-4 एक के ऊपर एक चश्मे लगना, ये इतनी बुरी है तू, सुधर रही नहीं। आओगे जब बहुत परेशान आ गई कि मैं ये चश्मे से नींद में से उठे के पहले चश्मा ढूंढना पड़ता किधर है बोल के। फिर लोग अलग चिढ़ाते आगे चुप बैठ, रोना ना कुमांडू यहाँ, अपन घर में नहीं ना बाहर आए वाले, अपन सेल में लगे फुल आंखों में आंसू बन गई सो तेरे, हम क्या तू भी चिढ़ाते थे लोग बोल बोला। बोलते डबल बैटरी सिंगल पावर। डबल बैटरी सिंगल पावर। आगे तूने हाथ से करी ना बैटरी लगा के दी ना, तेको सब्जी भाजी गाजर फल फ्रूट खाने को बहुत जानते जाता ना, तेको खाने को बाहर का छोना, एंड फिर अपने को दिन भर टीवी देखना पड़ती, फिर दिन भर मोबाइल चलाना पड़ते, उससे चश्मा लगा तेको, एंड भूगत आप लोग बोलेंगे तो गच्चू सुन के लिए क्या करेंगे फिर आप लोग, चिड़ाते रहते ऐसा, और अपन भी किस किस के मुँह को ढकाना बैठेंगे जा जाके, बोल भला तुझ। बेचारे चश्मे जिसको भी रहते उनकी बहुत परेशानी रहती थी, चश्मे के बगैर उनको कुछ अच्छे खासा दिखाई नहीं देता और बहुत संभालना पड़ता चश्मे को, और कांच वगैरह कुछ टूट गया गिर गया तो वो उसको पैसे लगते, और फ्रेम भी आजकल बहुत नाजुक आ रहे हैं, ज़रा कुछ करे के टूट जा रहे हैं, और कुछ गिरा पड़ा चश्मा तो फिर घर वाले भी अलडाते, ज़रा संभालना नहीं हो रहा, अभी डाले थे ना चश्मे का फ्रेम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी हो जाती चश्मा लगे बाद। और जिनको चश्मा लगा हुआ है उनको बगैर चश्मे वाले लोग ऐसा समझते कि बहुत घमंडी है, और खुद को क्या समझते कि इतराती चश्मा पहन के या ऐसा अन वैसा। देखो वाला मैं कितनी घमंडी दिख रही है, ऐसा एटीट्यूड वाली दिख रही ना मैं चश्मा लगाई तो। क्या आगे जब तेको मजाक का सोच रहे मैया कौन से तकलीफ में क्या सोच रही है, तू मस्त मजाक उड़ा रही आगे समरीन, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं ऐसा एक बात बोल रही, देखा ना आप सभी ने समरीन का क्या हाल है। अगर आपने भी अभी से अपनी आंखों की और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, खासकर अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखा, और घर पर बनाए हुए सब्जी और सारी सब्जियां जैसे शिमला और दूसरे फल फ्रूट गाजर ये सब नहीं खाया, तो आपकी भी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। आजकल तो बस बहुत सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के घर आने का इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो घर आए और हम उनका फटाक से मोबाइल लेकर गेम खेलते बैठ जाए, है ना।
अगर आप भी मेरी तरह दिन भर मोबाइल में गेम खेलते हो और पापा घर आते ही उनका फोन लेकर बैठ जाते हो तो आपके भी आंखों का मेरी आंखों की तरह हाल हो जाएगा, आपको भी मेरी तरह चश्मा लग जाएगा। तो अभी आप सुधर जाइए, अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है और अभी से आपको चश्मा लग गया तो आपको जिंदगी भर उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा, उसको टूटने नहीं देना पड़ेगा और ना ही आप मस्ती कर पाओगे, ग्राउंड में खेल कूद कर पाएंगे चश्मे की वजह से। और चश्मा वगैरह फूट गया टूट गया तो मम्मी पापा का खर्चा होगा और आपको डांट भी पड़ेगी। समझ में आ रही है ना आपको मेरी बात? तो अभी आप सब हमसे प्रॉमिस करो कि आप ज़्यादा टीवी नहीं देखोगे और ना ही ज़्यादा मोबाइल चलाओगे, बस दिन में से थोड़ा सा, ठीक है चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन दिन भर आप मम्मी पापा को परेशान करते हो फ़ोन के लिए तो ये ठीक बात नहीं है। आप ही के आँखों की सेहत के लिए आपके मम्मी पापा टीवी मत देखो, मोबाइल मत चलाओ ऐसा कहते हैं। उनको आपके आँखों की, आपके सेहत की फिक्र होती है, इसलिए वो आपको बार बार डांटते हैं। समझे ना आप लोग हमारी बात? और हाँ, जिन किसी को चश्मा लगा हुआ है वो अपनी आंखों की हिफाजत करे, टीवी तो बिल्कुल भी ना देखे, मोबाइल भी कम से कम यूज करे और जिस फूड में विटामिन ए ज्यादा हो उसको आप ज्यादा खाइए, जैसे कि गाजर वगैरह, ठीक है। देखिए हमारी आंखें ऊपर वाले ने दी हुई बहुत बड़ी नियामत है। सोचिए ना, अगर आप अपनी आंखें ही कमज़ोर हो जाएंगी, हम अच्छे से देख नहीं पाएंगे इस खूबसूरत सी दुनिया को, तो हमें कैसा लगेगा? इसलिए आप अभी से सुधर जाइए और अपनी आंखों की ख्याल रखिए, दोनों आंखों का, और ना ही ऐसे फ़ोन टीवी ज़्यादातर लेकर बैठिए, मम्मी पापा को परेशान मत कीजिए, ठीक है। और आपने हमारा नहीं सुना, हमारा कहना नहीं माना तो हम दोनों भी आपसे कट्टी ले लेंगे। देखिए ना, आप ही के सामने एग्जाम्पल है समरीन का। देखिए बेचारी कितनी दुखी है अपने चश्मे को लेकर। वो भी सोचती है कि मेरी भी आंखें अच्छी रहती अगर मैं अपने आंखों का ख्याल रखती, टीवी और मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करती। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा शब्बो ने, मैं भी ऐसा सोचती हूँ, काश मुझे चश्मा नहीं होता और मैं भी बिंदास खेल कूद कर पाती थी। लेकिन आपके पास चांस है, अपनी आंखों की सेहत का आप ख्याल रखिए और चश्मा लगने से बचिए। हमें पता है आज की वीडियो आपको ज़्यादा पसंद नहीं आएंगी क्योंकि इसमें कुछ सच बातें हमने बताई हुई है और सच हमेशा कड़वा होता है ना? देखिए जो अपने होते हैं वही अपनों का ख्याल रखते हैं। हमें आप लोगों की फिक्र है, आप हमारे फैमिली मेंबर्स हो, है ना? आप लोग हमारे इम्पल्स हेल्थ एंड टेक के फैमिली मेंबर्स। देखिए आप लोग हमारे हैं इसलिए हमने आपको कुछ अच्छी बातें बताई है इस वीडियो में, वरना आजकल हम दोनों जैसे, शब्बो समरीन के जैसे बहुत सारे डुप्लीकेट चैनल बन चुके हैं और वो उनके अंदर अच्छी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, गालियाँ वगैरह दे रहे हैं, तो ऐसे चैनलों का क्या फ़ायदा जो आप क्या ख्याल नहीं रख पाते हैं और आपको अच्छी सीख नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग हमेशा चौकन्ना और होशियार रहो, जहाँ कहीं भी आपको शब्बो समरीन दिखाई दे तो आप नीचे चैनल का नाम एक बार कंफर्म ज़रूर करें, अपना ही चैनल है या कोई डुप्लीकेट चैनल है। अपना चैनल का नाम आपको पता है ना, इम्पल्स हेल्थ एंड टेक, और रेड कलर का लोगो है जिसके अंदर IH लिखा हुआ है। तो आप हमेशा चौकन्ना रहें और किसी दूसरे चैनल पर मत जाएं, वहाँ पर आपको अच्छी लैंग्वेज में नहीं वीडियो मिलेंगे और वो लोग बस आपको डीमोटिवेट और बस ऐसे वैसे ही बातें करेंगे। तो आप हमें हमारे आवाज़ से पहचान सकते हो और नीचे चैनल के नाम से भी आप हमें पहचान सकते हो। वैसे आप सब लोग बहुत होशियार है यार, बहुत टैलेंटेड है, बिना कहे ही आप डुप्लीकेट चैनल और डुप्लीकेट शब्बो समरीन के वीडियोस पर जाकर डिसलाइक मार रहे हो। थैंक यू सो मच आपका इसके लिए। तो चलिए अभी हम जाकर आते हैं, समरीन का चश्मा रिपेयर करके लाते हैं। तब तक आप अपना और अपने सेहत का ख्याल रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को पता चले कि अपनी आँखों की कीमत क्या होती है और आँखों के बारे में अपनी आँखें कितनी ज़रूरी है और चश्मा लगने से बचाइए दूसरे लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।